गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज है संडे और यहाँ पे देखिए सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, बैठे हैं और ऐसे ही मॉर्निंग में थोड़ा बहुत सब लोग चाय के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और मैं साथ में यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम भी कर रही हूँ। मेरी वीडियो खराब पड़ता है, चोर पकड़ा क्या? जब भी मैं वीडियो करूँगी बीच में आ जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। आज कर लिया चोर मैंने, क्यों करूँ मैं, कैसी डालूंगी? नहीं हम डाल दो तो ऐसे करके मेरी हरकतें। तो दोस्तों सोचने के बाद आ गई हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो किचन में आ गई हूँ। सोचा कि चलो आज कुछ अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पोहा लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत होता है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने उसको साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ गार्लिक, कुछ पीनट्स लिए हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। आप लोग इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं बट आज है नहीं। इसको अच्छा से दरदरा पीस लेना है। हेलो गाइस, तो आज मैं यहाँ पे एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ बहुत ही कम चीज़ों से। आज जो कुछ है उसी से बना रही हूँ। संडे है, कुछ स्पेशल भी बनाना है और सैटरडे मार्केट था तो मैं गई नहीं थी सब्जी लेने के लिए, तो आज कुछ ज़्यादा घर में है भी नहीं। तो चलिए बनाते हैं, देखिएगा आप लोग कैसा बना है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉयल लिए हैं, हरी पीली शिमला मिर्च कटी हुई रखी थी, बीन्स रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और इसमें जो पोहा भीग रहा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बेसिक से मसाले थोड़ी सी, एक पिंच हल्दी डाली है, धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, हरी मिर्च नहीं है तो चिली फ्लेक्स डाल दिया और भुना हुआ जीरा डाल दिया है। और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, आपको इस तरीके से मिक्स करते रहना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ आपका आटे की तरह ना बन जाए। नमक डालना भूल गई थी तो वो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी कम लगे तो हल्की सी छींटे लगा सकते हैं और किसी भी शेप में आप लोग इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको टिक्की की शेप में बनाया है क्योंकि मैं इसको यहाँ पे सैलो फ्राई करने जा रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट हम लोग ऐसे ही खाएंगे। इतना ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो क्या ही होगा। और ईशा ने देखो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑयल कम डाला हुआ है, बोला मम्मी बहुत कम ऑयल में बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। और आप देखिएगा कितनी कम ऑयल में इतनी अच्छी हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई हैं। आपको इसको स्लो टू मीडियम गैस पे सेकना है, बहुत ही अच्छी बनेगी। आप लोग इसको अपने बच्चों के लंच में भी बना के दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है और सबको पसंद भी आएगा। कैसे बने गाइस? टीवी तो बंद कर दो, बताओ शवर। अच्छा अभी टेस्ट नहीं किया? सही है, पूरा एक्सप्लेन करेगा तो जो पता ही नहीं क्या है। हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया है, 2 छोटे छोटे बनाना लिए हैं, एलोवेरा लिया है और 2 स्पून मैंने इसमें करी लीफ पाउडर डाला है। थोड़ा सा हिबिकस पाउडर भी रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मास्क मैं अपने माँ बेटी दोनों के लिए बना रही हूँ, वैसे स्पेशली ईशा के लिए। ईशा बोली मम्मी मैं आई हूँ तो मेरे लिए भी कुछ बना दो, मैं भी अपने बालों में लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिएगा अच्छे से तैयार हो गया, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। और आप लोगों को इसको अपने स्कैल्प से मतलब जड़ों से लगाना है बालों में और पूरे नीचे तक लगाना है। इससे ना हमारे जो बाल बीच में मतलब 2 मुए हो जाते हैं, बालों में जो डैंड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है, शाइन चली जाती है, उस सब के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों के बाल ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो आप लोग वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मैं काफ़ी दिनों बाद मैं भी लगा रही हूँ बट मैं लगाती रहती हूँ तो मुझे इतना नहीं होता है। ये स्पेशली मैंने आज ईशा के लिए किया है कि बच्चे इतना बाहर नहीं करते हैं, इतनी ऑयलिंग वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे बना के मैं उसके लगाऊंगी। कुछ दिन रहेगी तो थोड़ी सी मैं उसकी केयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया है, देखिएगा अभी। और आप लोग भी अपने बालों में लगाना तो मेरे साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों के
मतलब स्वाद कैसा रहा। और यहाँ पे मैंने भी अपने लिए लगा लिया है इसको, एक घंटा हम दोनों ने अपने बालों में रखा। उसके बाद इसको किसी भी माइल्ड शैम्पू से, आप लोग जो भी यूज करते हैं उससे शैम्पू कर लेना। और देखिए मैं यहाँ पे नहा के आ गई, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह अपने लगाऊंगी और आप लोग खुद ही रिजल्ट देखिएगा कि आप रिजल्ट आप लोगों के सामने है। नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे हमें कुछ भी लॉस नहीं होता है, मतलब कुछ भी हमारा मतलब ख़राब नहीं होता है, जो भी होगा हमारा अच्छा ही इफेक्ट देंगे। तो आप लोग देखिएगा अभी अच्छे से। सो गाइस अभी मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट उसमें ही कैसे अच्छा रिजल्ट मिला है, कितने सॉफ्ट और स्मूथ बाल मेरे हो गए हैं। और आप लोग इसको वीक में दो बार ट्राई कर सकते हैं तो आप भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस बार मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ट्राई किया है, वैसे मैं करती रहती हूँ और आज स्पेशली ना मैंने ईशा के कहने पर बनाया था। वैसे मैं संडे वगैरह को नहीं लगाती हूँ, बहुत काम हो जाता है तो ईशा को छुट्टी ना संडे को ही होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, चलिए ईशा के बाल दिखाते हैं। ईशा के भी ना थोड़ा सा वहां इतना केयर नहीं करती होगी तो थोड़ा सा शाइन सी कम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए बना देती हूँ आज मैं। तो चलिए ईशा के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलो गाइस इधर ही आ गई, देखो ईशा के बाल कैसे हुए, सूख रहे हैं मेरे तो हो गया एकदम अच्छे से, है ना। और ये देखो ईशा के भी, ईशा ने काफी दिनों बाद लगाया, इसके बाल थोड़े से वो हो रहे थे बट शाइन आ गई है ना। पीछे देखो यहाँ से आई है शाइन, देखो लग रहे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चल रही है लंच की तैयारी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।